है स्टूडेंट्स, अब ये तो हमें दे दिया, अब आप कितने अपने क्वेश्चन निकालेंगे कैसे स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जीएनपी एट एनपी भाई, ठीक है। लेकिन पहले तो क्या आएगा, पहले हमारे पास आएगा क्या चीज, जी डी पी एमपी। स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्सपेंडिचर का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। तो पहले के भी देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सीधा इसमें रखा है 27,500 प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है राइट, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट बताया था कि जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होता है तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ता है, उसमें हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर मेथड याद करो भाई, क्योंकि जो कंट्री में इन्वेस्टमेंट है वो दो चीजों पे होती है, एक फिक्स और एक इन्वेंटरी, तो दोनों को ऐड करोगे ना। तो मतलब क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारे पास दे रखा है उसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन इसका जो चेंज इन स्टॉक है वो नेगेटिव में है, तो प्लस में माइनस 300 थोड़ा सा केयरफुली यूज करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि दे रखा है 3000 काम बन गया। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमको गिवन है 450 और इंपोर्ट्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इंपोर्ट दे रखा है 500। तो स्टूडेंट्स ये तो सारी की सारी वैल्यूज हमने लिख दी अपनी, जरा एक बार इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी 27,500 प्लस में 2500 माइनस में 300 प्लस में 3000 माइनस में 50। सो स्टूडेंट्स दिस विल बी 3,2,6,5,0 बात हो गई। लेकिन ये तो जीडीपी एट एमपी आया है, चाहिए जीएनपी एट एमपी। तो ठीक है जी, चाहिए क्या, चाहिए जीएनपी एट एमपी। है कहां पे हम, है जीडीपी एट एमपी। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो जब आप जीडीपी एट एमपी में एनएफआईए प्लस कर दोगे, जब आप जीडीपी एट एमपी में एनएफआईए प्लस करोगे, जीडीपी एट एमपी कितना 32,650 प्लस कितना करोगे एनएफआईए, एनएफआईए क्वेश्चन में दे रखा है क्या, दे रखा है बिल्कुल माइनस 250। स्टूडेंट्स इनकम मेथड पढ़ाते वक्त समझाया था एनएफआईए नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एनएफआईए नेगेटिव का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हुई है। तो 32,650 माइनस में कितना करेंगे 250, तो स्टूडेंट्स आंसर कितना आ गया यहां पर 32,400। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, हियर इज द फाइनल आंसर 32,400। तो देखा स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे क्वेश्चन करते हैं, कोई भी मेथड हो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला मींस उसके कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स क्या है, कब कौन से कंपोनेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, कब कौन से कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, ये एक छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में रहती है तो फिर हमारे किसी भी न्यूमेरिकल को करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजीली हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, अब जरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। ओके, तो देखो भाई पहले लगाने इनकम मेथड, तो इनकम मेथड लगा के क्या आएगा, इनकम मेथड लगा के आएगा आपके पास एन डी पी एट एफ सी, जिसका फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम।
ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 24420 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन देखो नहीं है डायरेक्ट, हम क्या करेंगे रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स है तो रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स को मान लेंगे 9637 प्लस क्या गिवन है हमारे पास, प्लस हमारे पास गिवन है मिक्स इनकम, क्या है क्वेश्चन में बिल्कुल है जी कितना है 28267 स्टूडेंट्स पहले से सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास इसे सॉल्व करके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 24220 प्लस 9637 प्लस 28267 ठीक है, तो ये आंसर आ गया 62324 ठीक है, लेकिन ये तो क्या है, ये तो एनबीपीएफ सी आया, जाना कहाँ है एनपीएफसी, तो एनएनपीएफ सी जाना क्या करेंगे एनडीपीएफसी पहुंच गए प्लस कर दो जी इसमें एनएफआईए तो एनडीपीएफ से कितना है 62324 एनएफआईए कितना दे रखा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में -255 तो कर दो -255 तो जब माइनस करेंगे 62324 में से 255 तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया 62069 तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ ये तो सॉल्व हो गया हमारा इनकम मेथड। अब जरा बात कर लेते हैं किसकी एक्सपेंडिचर मेथड की, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है एक्सपेंडिचर में क्योंकि वो जीडीपी निकाल के देता है फिर जीडीपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर नेशनल इनकम के अंदर, खैर करते हैं जरा GDP@MP फॉर्मूला क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यही है फॉर्मूला स्टूडेंट्स राइट। चलो करते हैं फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स नाइन्थ में भी दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको प्राइवेट की 51177 प्लस क्या दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7351 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन स्टूडेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखो फिर से एक्सप्रेशन में नहीं गिवन, गिवन क्या है ग्रॉस फिक्स है तो कोई बात नहीं पहले फिक्स देखते हैं कितने गिवन है, फिक्स गिवन है 13248 प्लस क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, जरा क्वेश्चन में देख लो चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, कितने दे रखा है चेंज इन स्टॉक 3170 प्लस नेट एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स कितना गिवन है, नेट एक्सपोर्ट हमारे पास नहीं गिवन तो क्या करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है 4812 माइनस में इंपोर्ट कितना गिवन है 5674। चलो स्टूडेंट्स इसको फाइनली सॉल्व कर देते हैं क्या आंसर आएगा देखते हैं, आंसर हमारा आएगा 51177 राइट प्लस में 7351 प्लस में 13248 ठीक है प्लस में 3170 ठीक है प्लस में 4812 माइनस में 5614 राइट 5674 ठीक है ओके तो कितना आ गया 74084 लेकिन ये जर्नी खत्म नहीं हुई है, जाना कहाँ है, जाना है नेशनल इनकम पे, चलो जी नेशनल इनकम पे चलते हैं, नेशनल इनकम क्या है एन एन पी
एट एफ सी है कहां पे, जी डी पी एट एम पी। स्टूडेंट ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, क्या माइनस करेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कर दिया। फिर स्टूडेंट्स डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, प्लस कर लेंगे क्या, एनएफआईए कर दिया। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी। जरा वैल्यू लिख दे, वैल्यू है 74084। ओके, माइनस में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, जरा देखो 4046 है ना, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो पहले भी ऑपरेट किया है, कितना है, माइनस 255, तो कर देते हैं माइनस 255, ठीक है। फिर माइनस में कितना है एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी, क्या दे रखा है डायरेक्ट, नहीं जी डायरेक्ट नहीं दे रखा, आईटी की वैल्यू दे रखी है 8834, सब्सिडी की वैल्यू दे रखी है 1120, तो क्या करेंगे 8834 माइनस 1120, जरा सॉल्व कर ले स्टूडेंट, देखते हैं क्या आंसर आता है फाइनल हमारा। 74084 माइनस में 4076 प्लस, फिर से माइनस हो रहा है हमारे पास 255, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस में क्या हो रहा है 8834, तो माइनस करते हैं 8834, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कितना 1120, तो स्टूडेंट्स आंसर कितना आ गया 62069, कितना आंसर आ गया स्टूडेंट, अगेन 62069। तो स्टूडेंट्स आप जो भी मेथड लगा ले, जैसा भी मेथड लगा ले, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर में कभी भी चेंजेस स्टूडेंट्स नहीं आएंगे कुछ भी करे, क्योंकि देखो आप दोनों ही मेथड से निकाल तो कह रहे हो, दोनों ही मेथड से आप निकाल तो नेशनल इनकम रहे हो, तो अगर आप दोनों ही मेथड से नेशनल इनकम निकालोगे तो आंसर कैसे चेंज आ सकता है, आंसर क्या आएगा हमेशा सेम। तो इसलिए एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई भी दिक्कत कहीं पर लगती है, ठीक है, तो जरा उसको कैलकुलेशन को बार बार चेक कर लेना, जब आप कैलकुलेशन चेक करोगे तब आपको दिख ही जाएगा कि कहां पे आपने छोटी मोटी कहीं ना कहीं जो मिस्टेक है वो कर रखी होगी, तो उस चीज को देख के समझ के स्टूडेंट अपना क्वेश्चन जो है हमें आगे फॉरवर्ड करना है।